हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली ईआरपी 9 पर बेस्ड है और खास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि बिगिनर्स हैं। कहां से स्टार्ट करें टैली को सीखना, कहां से आपको स्टार्ट करना चाहिए, प्रॉब्लम बहुत आती है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप सीधा सीधा किसी भी वीडियो के थ्रू जा सकते हैं जो आपको समझ में आती है टैली में। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और किसी भी वीडियो के थ्रू जा सकते हैं। ऐसे ही एक हमारे साथ हमारे स्टूडेंट है, स्टूडेंट के हमारे दोस्त हैं, इनको टैली सीखनी है तो आज हम लोग इन्हीं के माध्यम से देखेंगे और समझेंगे कि आप टैली को कैसे सेल्फ स्टडी करके सीख सकते हैं। अगर आपके पास एक सिस्टम है तो उसके थ्रू आप जा सकते हैं। अगर आपको इंस्टीट्यूट की पढ़ाई समझ में नहीं आती है, आप मेरे कॉन्टेक्ट में रहिए, मेरी वीडियोज देखते रहिए और आपको पूरी की पूरी टैली 10 घंटे 8 घंटे जितना मैंने बनाया है। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ एक ही वीडियो में बहुत सारी चीजें समझने की, लेकिन कभी कभी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि ये पॉसिबल है भी नहीं कि एक ही वीडियो में सारी चीजें समेट दी जाए। तो बहुत सारे वीडियोस मैंने बना के रखे हैं। शुरुआत कैसे करनी है, एक बार आपने शुरुआत कर लिया तो फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये बात याद रखिएगा, शुरुआत करना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं करमवीर सर के साथ। हमारे साथ मौजूद है ये, थोड़ा सा सर आप भी आ जाइए हमारे साथ। तो ये है करमवीर सर और इन्हीं को आज मैं सिखाऊंगा, तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं टैली को। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप सबको भी चीजें समझ में आएंगी। ओके, तो चलिए ये कंप्यूटर स्क्रीन पर हम आ चुके हैं और अब टैली ईआरपी 9 को ओपन कर लिया है। ठीक है, अब जब टैली ईआरपी 9 ओपन करना होगा तो आप कैसे ओपन करेंगे, जैसे मान लीजिए ये देखिए ये टैली ईआरपी 9 दिया हुआ है, मैं आपको ईआरपी 9 ही सिखा रहा हूँ। ठीक है, प्राइम भी आप कर सकते हैं, आप प्राइम पे डबल क्लिक कीजिए, प्राइम ओपन हो जाता है। प्राइम नया वर्जन है जबकि टैली ईआरपी 9 पुराना वर्जन है। एक बार टैली को परचेस कर लिया 17,000 से 18,000 में तो आप जीवन भर उसको यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर लेकिन अगर उसमें कोई अपडेट आता है तो वो अपडेट आपको नहीं मिलती है। ठीक है, तो अपडेट के लिए बार बार आपको टैली परचेस करना पड़ता है, 1 साल के बाद 1.5 साल के बाद 2 साल के बाद। खैर, आप चाहे तो उसी वर्जन को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर टैली ईआरपी 9 ही मैं सिखा रहा हूँ, डबल क्लिक करता हूँ। अगर ईआरपी 9 सीख लिए तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो सीखना कहाँ से स्टार्ट करना है, यहीं से हम शुरू करते हैं। तो ये देखिए टैली ईआरपी 9 ओपन हो गया। अब ये विंडो ओपन होती है तो बहुत से लोग यहाँ पर एक्टिवेशन पे लग जाते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है रीएक्टिवेट योर एग्जिस्टिंग लाइसेंस, तो आपको कोई भी रीएक्टिवेशन नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि आपने ये टैली फ्री में डाउनलोड किया है और टैली का चार्ज लगता है। कितना चार्ज लगता है, 17,000 से 18,000 रुपए लगता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये देखिए ये दिया हुआ है नीचे, ये एक लाइन सी बनी हुई है। ठीक है, इसका मतलब है अल्ट के साथ इसको प्रेस करना है। किसके साथ, अल्ट के साथ, अल्ट के साथ कीबोर्ड में अल्ट का ये बटन दिया हुआ है। ठीक है, इसी के साथ आपको ये प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है, अल्ट के साथ। ये क्या प्रेस करना है, ये क्या लिखा हुआ है, अल्ट के साथ डब्ल्यू। हाँ, अल्ट के साथ डब्ल्यू प्रेस करना है। हमें एजुकेशन मोड में काम करना है। अब दोनों में खासियत क्या है, देखिए अगर आप पे करके खरीदते हैं तो कोई भी डेट पर काम कर पाएंगे, ये कई सारे वीडियोस में मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, लेकिन आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल मैं कोशिश करूंगा पूरा समझाने की और उतना आपको करके भी दिखाना होगा, तो जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देखेंगे उनको भी इससे लाभ होगा। ठीक है, यहीं से टैली आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, तो अभी हम क्या प्रेस करेंगे, अल्ट के साथ डब्ल्यू, तो यहाँ पे अल्ट के साथ डब्ल्यू प्रेस कीजिए, अल्ट डब्ल्यू। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि अनेबल टू ओपन कंपनी, एंटर कर दीजिए, यस कर दीजिए, वाई, यस, यस किससे स्टार्ट होता है, वाई से, तो खाली वाई प्रेस कीजिए, ये विंडो बंद हो गई। अब देखिए ये सेलेक्ट कंपनी लिखा हुआ है, तो आपके पास अगर कोई पहले से कंपनी बनी हो तो आप सेलेक्ट कंपनी पे जा सकते हैं। सेलेक्ट का क्या हाईलाइट है, एस हाईलाइट है, तो एस हाईलाइट है, तो इसका मतलब ये है कि केवल एस प्रेस करने से ही आपका काम हो जाएगा, आपको माउस टच नहीं करना, केवल कीबोर्ड से काम करना। थोड़ा चेयर आगे कर लीजिए। अब इन्होंने एस प्रेस कर दिया है। देखिए तीन कंपनीज हमारे पास है, एक इंडियन शॉप है, एक कृष्णा एंटरप्राइजेस है, एक राज किशोर एंड शॉप है, लेकिन हमें तो नई कंपनी बनानी है ना, तो हम बाहर आएंगे। बाहर आने के लिए क्या प्रेस करते हैं, एस्केप बटन। क्या प्रेस करेंगे, एस्केप बटन, ESC। ठीक है, वेरी गुड, तो ये ESC आपने प्रेस कर दिया। अब इसमें बताइए कहीं क्रिएट कंपनी दिया हुआ है, जी सर, कहां दिया हुआ है, नहीं, तो माउस आपको नहीं पकड़ना, माउस मत छुइए। ये देखिए नेविगेशन की दिया हुआ है, तो हमें कहां जाना है, नीचे जाना है कि ऊपर जाना है, तो नीचे आइए, आ गए। अब क्रिएट का क्या हाईलाइट है, सी, तो सी प्रेस कीजिए, गुड, तो जैसे ही प्रेस करेंगे सी तो आपके सामने एक नया फॉर्म आ जाएगा। अब ये देखिए यहां पर जो ये दिया हुआ है इसका मतलब ये है कि ये
इसी लोकेशन पर जाकर के आपकी सारी फाइलें सेव होंगी। क्या है ये सी, फिर क्या है यूजर्स, फिर पब्लिक, फिर टैली ईआरपी 9। तो ये सी कहां है, तो हमारे जो सिस्टम है उसमें एक ड्राइव बनी होगी सी। तो देखिए यहां से आए, यहां से हम आते हैं दिस पीसी पर, ये देखिए अब ये सी ड्राइव बनी हुई है। सी ड्राइव के अंदर किसमें था, यूजर्स के अंदर, यूजर्स के अंदर कौन सा था पब्लिक, अब पब्लिक के अंदर टैली है, टैली ईआरपी 9, तो यहीं पर सारी फाइलें जाके सेव होंगी। अगर प्राइम होता तो यहां पर सेव होती, बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया, तो ये पाथ है, रास्ता, पाथ का मतलब रास्ता, तो ये यहीं पर जाकर के फाइलें सेव होंगी। आप चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, तो फिलहाल ये मैटर नहीं है, हम इसी पाथ पर फाइलों को बनाएंगे और इसी में रखेंगे। तो अभी सबसे पहले कंपनी का नाम देना है, तो मान लीजिए अगर आपकी कोई शॉप है, मेडिकल की शॉप है या कोई भी शॉप है, तो उस शॉप का क्या नाम है वो नाम आप यहां पर दे दीजिए, दीजिए एंटर करेंगे, करिए एंटर, आ गए। यहां पे मेलिंग नेम है, अगर कोई चिट्ठी उठी आता है आपके दुकान पर तो वो यहीं पे आएगा, इसके लिए आपको एड्रेस डालना होगा, तो खाली आप एंटर प्रेस कीजिए, आप एड्रेस वाले कॉलम में आ जाएंगे, आ गए। अब आप अपना एड्रेस जो भी होता हो उसको डाल दीजिए, डालिए, गुड, एंटर करिए, एंटर करिए। जब एड्रेस काफी लंबा हो जाता है ना, तो इसीलिए जगह दिया हुआ है, एंटर करेंगे तो यहां पे आ जाएगा। तो ये देखिए एड्रेस जब लंबा होता है तो यहां पर भी आप भर सकते हैं, तो एंटर कर देंगे हम फिलहाल। कंट्री हमारी कौन सी है, पाकिस्तान है, हाँ इंडिया है, तो इंडिया आप डाल दीजिए। इंडिया अगर ना मिले, ठीक है, इनकेस हमारे पास बहुत सारे क्वेरीज इजिप्ट से आती है, जैसे अभी एक क्वेरी आई मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के इजिप्ट देश से, तो देखिए ये इजिप्ट दिया हुआ है, घाना है, जहां जहां टैली चलता है, कहीं भी चल सकता है भाई टैली, जहां पर भी यूज होता हो। तो देखिए इस पे बहुत सारे कंट्रीज के नाम ऑलरेडी दिए हुए हैं, दिया है ना, तो हमें फिलहाल इंडिया रखना है। अगर कोई व्यूअर इसको देख रहा है तो उसकी जो भी कंट्री है उस कंट्री का नाम आप यहां पे रख सकते हैं, ठीक है, दिया हुआ है सब। अब एंटर करेंगे, स्टेट को डालना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी हो जाता है, स्टेट नहीं डालेंगे तो अभी टाइम है जीएसटी का, जीएसटी माने घर संसार त्याग दो, नहीं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, तो जीएसटी को एक्टिवेट करिएगा या फिर वैट लगाइएगा, जैसे बहुत सारी कंट्रीज में वैट चलता है, जैसे अभी मुझे लगता है कि पाकिस्तान में भी वैट चलता है, तो कभी बहुत सारे व्यूअर पाकिस्तान से जुड़ते हैं तो वो लोग भी पूछते हैं सर जीएसटी तो हमारे यहाँ लगता नहीं है, कुछ स्टूडेंट हैं जो कि यूएई से जुड़ जाते हैं तो वो भी कहते हैं कि यहाँ पे तो वैट है, यहाँ पे तो जीएसटी है ही नहीं, लेकिन हमारे इंडिया में जीएसटी है, ठीक है, तो वैट या जीएसटी या इस तरह का जो भी टैक्स है, टीसीएस है, टीडीएस है, जो भी टैक्स है, टैक्सेस के लिए हमें स्टेट डालना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी हो जाता है, तो स्टेट जरूर डालिएगा। तो स्टेट हमारा क्या है, तो उत्तर प्रदेश के लिए स्पेलिंग किससे शुरू होता है, तो खाली यू प्रेस कीजिए आप, यू, देखिए यू वाला नाम हाईलाइट हो गया यहाँ पे, तो आप वहां पे चले जाइए, माउस का बिल्कुल यूज नहीं करना है आपको, आप चले जाइए उस वाले नाम पर, नेविगेशन की का प्रयोग कीजिए, आइए आइए, ठीक है, आ गए, आप एंटर कर दीजिए, आ गया उत्तर प्रदेश। पिन कोड डाल दीजिए, पिन कोड देवरिया का पिन कोड ये डाल रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग, एंटर कीजिए। अब फोन नंबर कॉन्टेक्ट डिटेल वगैरह है तो वो डाल सकते हैं, ठीक है, फिलहाल इसको स्किप कर देते हैं, एंटर करते हैं, वेबसाइट है तो वो डाल सकते हैं, ठीक है, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, यहां पर आ गए। अब ये दिया हुआ है फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, तो मुझे कभी कभी काफी मुझे भी यूट्यूब से बहुत सारे व्यूअर्स कमेंट करते हैं, उसके थ्रू मुझे जानकारी मिलती है, जैसे किसी व्यूअर ने जो यूएई के थे, उन्होंने मुझे बताया कि वहां पर जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का होता है, ठीक है, लेकिन हमारे यहां जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो किसका होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है, तो यहां पे 1 अप्रैल 2022 है, खत्म कब होगा, 31/3/2023 को, डैश दीजिए 22 सेकेंड 22, एंटर कर दीजिए, ठीक है। टैली बहुत ही ज्यादा स्मार्ट सॉफ्टवेयर है, वो जो है सारी चीजें ले लेता है, यहां पर आपको 23 करना है, 22 नहीं रखना है, यहां पर 22 तो ऑलरेडी 4 आपने किया हुआ है तो 23 करेंगे, तो ये 23 कर दिया हमने। अब यहां पर अगर आपको वॉल्ट पासवर्ड डालना है या आपको कोई पासवर्ड लगाना है तो उसके लिए ये है, पासवर्ड दो तरीके का है, एक वॉल्ट पासवर्ड है और एक सिक्योरिटी, यहां पे देखिए यूज सिक्योरिटी कंट्रोल दिया हुआ है, तो अगर आप वॉल्ट पासवर्ड लगाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर हम पासवर्ड डाल देते हैं कुछ, ठीक है, ये पासवर्ड डाल दिया, काफी वीक है स्ट्रेंथ, तो थोड़ा बढ़िया पासवर्ड डाल देते हैं, पासवर्ड डाला हमने, अब इसी पासवर्ड को रिपीट करना है, तो ये यहाँ पे रिपीट भी कर दिया, रिपीट हुआ, एंटर किया, अब ये यहाँ पे आ गया। अभी हम सिक्योरिटी कंट्रोल को यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर कंट्री चूज करने से इंडिया का जो रुपया साइन है वो आ गया है, और इसका फॉर्मल नेम जो है INR है,
तो वो भी आ गया है, ठीक है। अब यहां पे दिया हुआ है सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, तो ये सफिक्स प्रीफिक्स लगाना चाहते हैं कि नहीं लगाना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर यस कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर नीचे लिखा हुआ है शो अमाउंट इन मिलियन, देखिए मिलियन में क्या होता है, 10 लाख होगा तो 1 मिलियन होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको लाख ही रखते हैं, मिलियन मिलियन छोड़ देते हैं, इसको ऐसे ही रखते हैं। ये आ गए, यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस दिया हुआ है तो 2 है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई सामान आपसे कोई परचेस करता है, ठीक है, आप सेल करते हैं तो कीमत आती है 10.50 रुपया, तो कितना डेसिमल, दशमलव के बाद कितने दो अंक है ना, 10.50 तो 2 अंक हुआ, तो उसके लिए ये 2, 3, 4 आप लिख सकते हैं। फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, एंटर करते हैं और इसको एक्सेप्ट कराते हैं। पैसे के लिए है 10.75 रुपया। अभी देखिए यहाँ पे तुरंत पूछ रहा है वॉल्ट पासवर्ड, पूछ रहा है ना, तो जो भी इसको खोलेगा वो वॉल्ट पासवर्ड दिए बगैर एंटर नहीं कर सकता इसमें। तो यहाँ पर वॉल्ट पासवर्ड जो मैंने दिया था वो मैं वापिस से दे देता हूँ, ये दे दिया, ठीक है। अगर कोई भी गलती होती है तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही वॉल्ट पासवर्ड डाल देते हैं जो हमने दिया था, ठीक है। ये आ गया, अब ये खुल गया, हमारी कंपनी ओपन हो गई, समझ में आई बात। लेकिन यहां पर देखिएगा तो ये लिखा हुआ है नो वाउचर एंटर्ड, यानी अभी हमने कोई भी वाउचर एंट्री पास नहीं की है। अच्छा एक बात बताइए, दुकान खोलेंगे तो दुकान खोलने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी, कपड़ा लत्ता की जरूरत पड़ेगा, किसका जरूरत पड़ेगा, सामान का कैसे आएगा, भगवान जी गिरा देंगे ऊपर से, नहीं खरीदना पड़ेगा, मंगाना पड़ेगा, तो वो कैसे आएगा, वो ऑर्डर देके आएगा। अच्छा ऑर्डर वाला आपका मुंह देख के दे देगा, नहीं रुपया लगेगा। तो सबसे पहला काम ये करना है कि आपको कंपनी में रुपया डालना है। कैसे डालेंगे, सॉफ्टवेयर में रुपया कैसे पड़ेगा, काउंटर में तो रुपया आ जाता है, सॉफ्टवेयर में रुपया कैसे जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 लाख रुपया कैश है या 5 लाख रुपया कैश है मान लीजिए, ठीक है, तो आपने रखा हुआ है तो कुछ काउंटर बनवा रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं या कुछ सामान खरीद के ला रहे हैं जिसको आप सेल करेंगे ऊंची दरों पर, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत सारे वाउचर्स बनाए गए हैं टैली में, काम बहुत आसान हो गया है। पैसा अगर आपके पास आता है या कंपनी में आता है पैसा, ठीक है, आप तो कॉमर्स के स्टूडेंट रहे हैं, ठीक है, तो कंपनी में जो पैसा आता है उस पैसे को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल, क्या बोलते हैं, तो कैपिटल अकाउंट का एक लेजर यानी खाता बनाएंगे, क्या बनाएंगे, खाता, ठीक है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले वाउचर में चलते हैं, तो अकाउंटिंग वाउचर जो भी एंट्री पास करेंगे अकाउंटिंग वाउचर में जाके पास करेंगे, तो यहां भी प्रेस कर देते हैं, तो ये आ गया अकाउंटिंग वाउचर में। कौन से वाउचर में है, पेमेंट वाउचर में, ठीक है। तो अभी पेमेंट वाउचर में है लेकिन हमको पैसा कंपनी में रिसीव कराना है, तो देखिए इसमें कहीं रिसिप्ट वाउचर भी दिख रहा है क्या, देखिए इसमें, अच्छा देखिए पेमेंट वाउचर हाईलाइट है, इस पर क्लिक कर रहे हैं कुछ हो रहा है, ये हाईलाइट नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ओपनड है। और ये देखिए क्रेडिट नोट और डेबिट नोट, और ये देखिए रिवर्सिंग जनरल दिया हुआ है और मेमोज दिया हुआ है, ये ऑप्शनल भी दिया हुआ है, तो ये सब भी हाईलाइट नहीं है क्योंकि इन सबको एक्टिवेट करना पड़ेगा, तो फिलहाल इसके एक्टिवेशन की अभी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी हमको चलना है रिसिप्ट वाउचर में, शॉर्टकट की क्या दिया हुआ है, F6. हाँ तो आप F6 प्रेस कर दीजिए, F1 से लेकर F12 तक बटन दिया हुआ है ऊपर, F6 प्रेस कर दीजिए। अभी कौन से वाउचर में आ गए, रिसिप्ट वाउचर में आ गया, और यहाँ पे दिया हुआ है पर्टिकुलर्स, यहाँ डेबिट क्रेडिट दिया हुआ है, ठीक है। सब कुछ भूल जाइए, खाली एक चीज याद रखिए, हम जितना बताते हैं पूरा कॉमर्स भूला जाइए, ठीक है। कॉमर्स हमको भी नहीं आता है, जीरो है हम कॉमर्स में, लेकिन टैली में 10 दिन में टैली खत्म, 10 घंटे में खत्म टैली। तो देखिए बहुत आसान है करना काम। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट, कभी कभी क्या होता है ना ये क्रेडिट लिखा हुआ नहीं आता तो घबराइएगा मत, ठीक है। आपको करना क्या है, कीबोर्ड से F12 बटन प्रेस करना है, F12, जैसे ही F12 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए ये मैं आपको दिखाता हूँ, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कंट्रा। अभी हम कौन सा वाउचर खोल रखे हैं, रिसिप्ट वाउचर, तो ये कह रहा है कि पेमेंट रिसिप्ट कंट्रा वाउचर में रहिएगा, अगर इसको यस कर दीजिएगा वाई प्रेस करके तो आपका डेबिट क्रेडिट ऑप्शन नजर नहीं आएगा। देखिए यहाँ कंट्रोल ए कर देते हैं, अब देखिए यहाँ पे अकाउंट आने लगा, तो ऐसे सिचुएशन में स्टूडेंट घबरा जाते हैं। हालांकि बहुत सारी वीडियो जिस पे भी बना रखी है मैंने कि ये कैसे सिंगल एंट्री को, इसको कहते हैं सिंगल एंट्री, क्या कहते हैं। और इसमें एक चीज और होता है, ये ऑफ रहता है, ये देखिए ये लिखा हुआ है ना, यूज डेबिट, CR का मतलब होता है क्रेडिट और DR का मतलब होता है डेबिट, इंस्टेड ऑफ 2/Y ड्यूरिंग एंट्री, ये जो है नो रहता है, ठीक है। अब देखिए अब भी सिचुएशन ऐसी ही है, तो ये सिंगल एंट्री मोड है, एंट्री इसमें भी पॉसिबल है लेकिन
क्रेडिट डेबिट में कर लीजिएगा तो और ज्यादा आसानी हो जाएगी। चलिए हम इसको डेबिट क्रेडिट के फॉर्मेट में लेके आ जाते हैं। यहां पर इसको नो कर देते हैं और डेबिट क्रेडिट ऑप्शन को यस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे वाई खाली प्रेस कर दीजिएगा तो ये यस हो जाएगा। कंट्रोल ए करने से एक ही बार में एक्सेप्ट हो जाएगा पूरा, तो डेबिट क्रेडिट आने लगा। जब भी पैसे की रिसीविंग कराएंगे तो उसे क्या कहेंगे, कैपिटल कहेंगे। तो कैपिटल का एक हमें खाता बनाना है, तो खाता दो तरीकों से बनता है। अब कोई कौन कौन सा तरीका है, तो पहले तो इससे बाहर आ जाते हैं। मान लीजिए आपको पहले से पता है कि हमको कैपिटल अकाउंट का एक खाता बनाना है, लेजर बनाना है, तो आप क्या करते हैं, आप यहां से गेटवे ऑप्शन, ये टैली की मेन मेन्यू है, क्या है, अच्छा ये देखिए यहां पर दिया हुआ है कीबोर्ड, ठीक है। तो कीबोर्ड के नीचे एक लाइन बनी हुई है, तो इसका मतलब है कि ये बटन आपको ऑल्ट के साथ प्रेस करना है। और यहां पे देखिए दो लाइन बना हुआ है, टैली शॉप लिखा हुआ है ना, तो यहां पे दो लाइन का मतलब है कि ये बटन आपको कंट्रोल के साथ प्रेस करना है, सीटीआरएल के साथ। तो एक बना है तो ऑल्ट, दो बना है तो कंट्रोल, ठीक है, समझ में आई बात। अब देखिए यहां पर भी जाकर के अकाउंट इन्फो पर जाकर के नया खाता आप बना सकते हैं, नया लेजर क्रिएट कर सकते हैं, ये बहुत आसान है। क्या हाईलाइट है, ए, तो खाली ए प्रेस कर दीजिए। आप एंटर कर देंगे डायरेक्ट तो भी हो जाएगा, तो हम खाली ए प्रेस करते हैं, कहां इतना ज्यादा मेहनत करें। यहां पे आ गए, यहां पर आने के बाद आपको क्या करना है, लेजर पे जाना है। लेजर का मतलब होता है खाता, तो ये लेजर स्पेलिंग देख लीजिएगा। अब यहां से एल प्रेस कर देते हैं, एल प्रेस कर दिया। आप दो तरह के लेजर है, एक सिंगल लेजर है, दूसरा मल्टीपल लेजर। मल्टीपल लेजर सिंगल लेजर दोनों ही मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल चुका हूं वीडियो, ठीक है। चलिए हम सिंगल लेजर फिलहाल क्रिएट करते हैं। क्या है ये, क्रिएट, क्रिएट के लिए क्या प्रेस करेंगे, करिए, कर दिया। अब यहां पर आपको एक लेजर बनाना है, कौन सा लेजर बनाना है, खाता किसका, कैपिटल अकाउंट, डालिए कैपिटल अकाउंट। ए ऑब्लिक सी कर दीजिएगा, गैप देखिए, गैप दीजिए, हाँ ए ऑब्लिक यही है, यही सी, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए। टैली में पहले से ग्रुप दिए हुए हैं, जितना ज्यादा अभ्यास करिएगा उतना ज्यादा आपको समझ में आता चला जाएगा। कैपिटल अकाउंट को यहां पर लिस्ट ऑफ ग्रुप में से किसी भी ग्रुप में आप नहीं डाल सकते, इसका एक खास ग्रुप बना हुआ है, उसी में इसको डालना है, कैपिटल अकाउंट, हाँ बिल्कुल, कैपिटल अकाउंट का ग्रुप है कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में ही इसे डालिएगा। तो एंटर कर दीजिए, क्योंकि कर्सर आपका यहीं पे है, अगर कर्सर यहाँ पे नहीं रहता तो क्या होता, जैसे मान लीजिए यहाँ पे रहता और आप इसी को एंटर कर देते तो ये कैश इन हैंड में चला जाएगा, ठीक है। अब फिर नए जो लोग हैं जो टैली नया नया सीखते हैं उनके साथ ये बहुत दिक्कत आती है, ये लेजरवा गलत इसमें डाल देते हैं ग्रुप में, अब खोजने लगते हैं हमारा तो लेजरवे नहीं नजर आ रहा है, बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो अभी इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड दिया हुआ है, इसको छोड़ दीजिए, एंटर करिए, इसको खाली एंटर करते जाइए आप, एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए, बस रुक जाइए। यहाँ पे दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस का कॉन्सेप्ट किसी अन्य वीडियो में समझते हैं, ठीक है। वैसे ओपनिंग बैलेंस का मतलब कि जब आपकी दुकान खुली तो आपके पास कितना रुपया था, इसे कहते हैं ओपनिंग बैलेंस, आई बात समझ में। तो चलिए एंटर करिए डायरेक्टली, लास्ट तक आपको एंटर 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 करते जाना है, जब तक ये एक्सेप्ट वाली विंडो ना आ जाए। एक्सेप्ट कराने के लिए फिर एक बार और एंटर कर दीजिए, या वाई भी प्रेस कर सकते हैं। तो ये एक्सेप्ट हो गया, अब ये एक्सेप्ट होके गया कहां, तो इसके लिए हम एस्केप बटन प्रेस करेंगे, प्रेस करिए, फिर करिए, आ गए बाहर। हमें कहां जाना है, देखना है तो डिस्प्ले पर, अगर मान लीजिए लेजर बनाते समय कोई गलती हो गई हो तो अल्टर पे जाना है। तो दोनों दिया हुआ है, देखिए ना, नीचे एक डिस्प्ले भी दिया हुआ है और अल्टर भी दिया हुआ है, दिया है, तो हमें देखना है खाली, तो डिस्प्ले पे जाएंगे, एंटर कर देंगे, कौन सा लेजर हुआ था, हाँ तो एंटर कर दीजिए, उसी पे है कर्सर आपका। देखिए इसमें कहीं कोई गलती नहीं हुआ है, मान लीजिए कहीं ग्रुप दूसरा रख दिए हो, कभी कभी क्या होता है ना, ग्रुप दूसरा रख देते हैं आप, तो अभी तो हम लोग डिस्प्ले पे हैं, मान लीजिए कभी ग्रुप आपने दूसरा रख दिया, ठीक है, जैसे बनाते समय आपने गलती कर दी, ग्रुप दूसरा कर दिया, अब आपको ये पता है कि आपने ग्रुप में ही गलती किया है, तो उसको सही करने के लिए कहां जाएंगे, अल्टर पे जाएंगे, तो अल्टर पे जाइए, आ गए। इसी को सही करना है ना, कैपिटल अकाउंट को, इन दोनों का लेजर कभी बनता नहीं है, बहुत विशेष परिस्थितियों में, ये आगे चल करके मैं आपको बताऊंगा, या फिर हमारे वीडियो से जुड़े होंगे तो उसमें देख सकते हैं, कई वीडियो में बताए होते हैं। चलिए फिलहाल कैपिटल अकाउंट को हम लोग अल्टर करेंगे, किसको अल्टर करेंगे, कैपिटल अकाउंट को, तो चलिए अल्टर कर लेते हैं, एंटर करिए। अब यहां से आप देख सकते हैं एंटर करके कि कहीं गलती नहीं हो गया, मान लीजिए ग्रुप का कुछ और कर दिए हो, बैंक अकाउंट कर दिए हो, तब क्या होगा, जैसे मान लीजिए ऐसे कर दिए बनाते समय ये गलती आपकी हो गई है मान लीजिए, तो जब आप रिसिप्ट वाउचर में एंट्री पास करने जाएंगे
तो बड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। जैसे यहाँ सी प्रेस करेंगे तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पे लगता है, क्रेडिट किसको करते हैं, कैपिटल अकाउंट को, तो लेजर में नहीं नजर आएगा, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तब कहेंगे आई बापी तो बनाए थे लेकिन नजर तो आ ही नहीं रहा है, तो प्रॉब्लम बहुत सारी फेस आएंगी आपको। तो ऐसे कंडीशन में आपको सबसे पहले लेजर जाके चेक करना है कि किसी अन्य ग्रुप में तो आपने नहीं डाल दिया। ये कहानी खाली दो चार दिन की है, दो चार दिन में जब आप एंट्री करेंगे लगातार तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो आपको सीधा फिर कहाँ जाना है, गेटवे ऑफ टैली पे आना है, अकाउंट इन्फो पे आना है, एंटर करना है और यहाँ से लेजर्स पे जाना है और यहाँ से फिर अल्टर पे आना है। अब देखिए कैपिटल अकाउंट यही था, अब मान लीजिए बैंक ओडी कर दिया था, इसको डालना है कैपिटल अकाउंट में, तो यहाँ से जाके चेंज कर दीजिए कैपिटल अकाउंट कर दीजिए, या कंट्रोल ए कर दीजिए, नहीं तो एंटर 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 करके एक्सेप्ट करा लीजिए, ये आपका कैपिटल अकाउंट बन गया, ठीक है, समझ में आई बात। अब हमको एंट्री पास करनी है, एंट्री पास करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, जाइए, ये तो अकाउंट इन्फो पे आ गए, अकाउंटिंग वाउचर में जाना था, माउस का यूज मत कीजिए, आ गए। अगर आपको रिसिप्ट नहीं नजर आता तो आप F6 प्रेस कर लेते तो रिसिप्ट नजर आने लगता, क्रेडिट दिया हुआ है। कैपिटल अकाउंट पैसा रिसीव कराते समय हमेशा क्रेडिट ही होता है, ये याद रखिएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा दो चार दिन में। तो यहां पर आप कैपिटल अकाउंट का लेजर लगा दीजिए, बनाए हैं कैपिटल अकाउंट, दिख रहा है कहीं साइड में, पहले नजर नहीं आ रहा था क्योंकि उसका ग्रुप आप चेंज कर दिए थे, ऐसी गलती हो सकती है आपसे, तो घबराइएगा मत, बहुत आराम से ये सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। तो कैपिटल अकाउंट लगा दीजिए, खाली एंटर करने से कैपिटल अकाउंट वहां आ जाता है। कितना रुपया दुकान में लगा रहे हैं मेडिकल स्टोर में, हाँ 5 लाख, मेडिकल कॉलेज खुल ही रहा है, बिक्री उक्री खूब होगा नहीं, दबा के कुछ खर्चा वर्चा होगा, चलिए एंटर करिए। अब यहाँ आ रहा है डेबिट, ठीक है, तो डेबिट आ रहा है तो एंटर कर दीजिए, क्रेडिट के बाद तो डेबिट ही आना चाहिए। ये पैसा आप कैश में लगा रहे हैं कि बैंक के थ्रू लगा रहे हैं ये देख लीजिए। मान लीजिए आप कैश लगा रहे हो तो क्या करेंगे, कैश का लेजर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत विशेष 95% मामलों में कैश का लेजर नहीं बनता है, ठीक है। जैसे आपकी दुकान बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है, और आप अपनी दुकान किसी अन्य व्यक्ति को सौंप देते हैं और कहते हैं कि जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो किसके माध्यम से होगा, फोन पे कर दो, पेटीएम कर दो, गूगल पे कर दो, कैश हम पैसा नहीं लेंगे, ठीक है, हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, हमको कैश में पैसा नहीं चाहिए, हालांकि कैश में ही पैसा लेंगे, कैश के बिना काम ही नहीं चलना है। तो ऐसे कंडीशन में जो आपका कैशियर होगा, जो आपका काम देखता होगा, पर डे की बिक्री कितनी हुई, कितना आपने खर्चा किया, ये सबका डिटेल जो देखता होगा, उसको आप चाय पानी के लिए, मान लीजिए उसको चाय पीने का मन करे तो आप कहिएगा हम ब्रांडेड चाय पिलाएंगे 50 रुपये का, तो पिएगा, 10,000 कमाने वाला ब्रांडेड चाय पिएगा, वो कहेगा 5 रुपया लाओ बटवा जो देता है वही चाय वो पिला दीजिए, तो 5 रुपया के लिए आप क्या करेंगे, आपको वो कुछ पैसा दे देगा, ठीक है, कहेगा इसी में से तुम खर्चा करो, 500 रुपया दे दिया एक दिन का, कहा इसी में से खर्चा करना, सारे स्टाफ को चाय पिला देना, जो भी बट्टा वाला चाय पीना हो, अच्छा ठेला पर का चाय पीना हो, जो भी हो वो पिला दीजिएगा। तो उस कंडीशन में आप पेटी कैश का एक लेजर बनाते हैं, ठीक है, पेटी कैश, ठीक है, फिलहाल हमें इन सब की कोई जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली कैश करते हैं, तो कैश का लेजर ऑलरेडी बना हुआ है, तो कैश के लेजर पे जाइए और एंटर कर दीजिए ताकि वो वहां पे अप्लाई हो जाए, ठीक है, एंटर करिए। अब यहां पर नरेशन डालना है, हुआ क्या, यहां पर आपने पैसा रिसीव कराया कंपनी में, ठीक है, कितना रिसीव कराया है, तो यहां पर लिख दीजिए 5 लाख RS रिसीव्ड IVED इन कंपनी, हो गया, लिख दिया, बस एंटर करिए, एंटर करिए, ये एंट्री पास हो गई, ये पहली एंट्री है टैली की। अगर आपको लगता है कि डेट गड़बड़ हो गया, किसी और डेट पे करना था, किसी और डेट पे हो गया, चलिए ये देखते हैं, देखेंगे कहां, जो एंट्री पास हुई देखने के लिए कहां जाएंगे, पहले तो एस्केप बटन प्रेस करके बाहर आइए, एक बार और स्किप करिए, हाँ अब यहां पर आ गए, हमारी एंट्री कहां दिखेगी, डिस्प्ले में दिखेगी, देखिए कहीं डिस्प्ले दिख रहा है गेटवे ऑफ टैली पर, जाइए, क्या हाईलाइट है डिस्प्ले में, डी खाली प्रेस कीजिए, अब डेबुक में जाना है, आ गए, एंटर कर दीजिए, देखिए यहां पर हमने डेट क्या डाला है, 31 मार्च डेट डाल दिया, ये गलती हो गई हमसे, ये तो ब्लंडर मिस्टेक हो गया, तब क्या करेंगे, डेट को सही करेंगे, सही करिए,
F2 प्रेस करके डेट चेंज करते हैं, करिए। चार 2022 एंटर कीजिए। ये क्या कह रहा है? डेट करना बिलो द फाइनेंशियल ईयर, कह रहा है कि डेट इससे कम नहीं हो सकता है, इससे ज्यादा होगा। अब इसके पीछे कारण क्या है, देखिए जब आप फाइनेंशियल ईयर, आपने जब ये सबसे पहले फॉर्म भरा अपना, फॉर्म भर के कंपनी बनाई, तो जो कंपनी बनाई आपने उसमें डेट क्या रखा आपने, ये आपको पहले देखना पड़ेगा। अब मान लीजिए अभी आपको भुला गया कि डेट क्या रखे हैं, तो क्या करेंगे, वहां जाना होगा ना, तो एस्केप बटन प्रेस करके बाहर आ जाइए, पूरा बाहर आ जाइए, सब कुछ छोड़ दीजिए आप, ठीक है। यहां पर आपको कंपनी में जाने के लिए, कंपनी में जाने के लिए क्या प्रेस करना है, Alt F3 प्रेस कीजिएगा, Alt F3, देखिए क्या होता है, आ गया ना। अब हमको क्या करना है, कंपनी हमारी खुली हुई है, कंपनी का नाम क्या है, केवी मेडिकल स्टोर है ना, तो केवी मेडिकल स्टोर में देखिए ये लास्ट एंट्री हुई है 31 मार्च 2023 को, लेकिन ये एंट्री 31 मार्च 2023 को नहीं होनी थी, क्योंकि अब हम कंपनी को अल्टर करेंगे, ठीक है। कंपनी को अल्टर करना एक अलग बात है और लेजर को अल्टर करना एक अलग बात है, ध्यान रखिएगा। कंपनी को जब भी अल्टर करना है Alt F3 करके अल्टर कर लीजिएगा, अल्टर पे जाइए, ऐसे अल्टर पे जाएंगे, इसमें अल्टर आपको दिखाई दे रहा है, इसी को अल्टर करना है ना, अल्टर करके देख लीजिए आपने डेट क्या डाला है, एंटर कीजिए, आपने डेट क्या डाला है, फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है, आइए क्या लिखा हुआ है, काम आपका कब से शुरू हो रहा है, ये आपने गलती कर दिया। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब ये होता है कि काम आपका कब से शुरू हो रहा है, इसीलिए वहां पर डेट जो है दिक्कत कर रहा है आपको, कह रहा है कि फाइनेंशियल ईयर कैन नॉट बिलो द फ्रॉम गिवन डेट, तो आपने डेट तो ये डाल दिया कि काम हमारा भले ही फाइनेंशियल ईयर 1/4/2022 से शुरू हो रहा है, लेकिन हमारा काम 31/3/2023 से शुरू हो रहा है, तो यहां पर दिक्कत हो जाएगा ना, काम तो आपका 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए 1 अप्रैल से ना शुरू होता हो, 1 मई को शुरू होता हो, 2 मई को शुरू होता हो, 5 मई को शुरू होता हो, लेकिन कम से कम 31/3/2023 को तो नहीं शुरू हो रहा है, तो इसको आपको सही करना पड़ेगा। ये कैसे सही है? तो एंटर करिए, वहां तक पहुंचिए जहां पर डेट गड़बड़ हुई है। हाँ हाँ, आप आगे बढ़ गए, बैक स्पेस की प्रेस कीजिए, बैक स्पेस, हाँ अब एंटर कीजिए, यहां पर डेट सही करना है, ये डेट भी रहेगी आपकी 1/4/2022, अब एंटर कर दीजिए। कह रहा है डेटा एंटर्ड बिफोर दिस डेट, डेट विल बी लॉस्ट, कह दीजिए यस, फिलहाल हमको सही करना है, वाई प्रेस कर दीजिए। कह रहा है देयर विल बी लॉस्ट डेटा, करिए एंटर, एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करते जाइए लास्ट तक, लास्ट तक एंटर करिए। हाँ, अभी हम उस एंट्री को देखना चाहते हैं जो एंट्री हमने पास की थी, ठीक है। तो यहां से एस्केप बटन प्रेस करके बाहर आएंगे, आ गए, उस एंट्री को देखने के लिए कहां जाएंगे, डेबुक में जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले में जाने के लिए खाली डी प्रेस करना है, डेबुक में जाने के लिए भी खाली डी प्रेस करना है, आ गए, यही वो एंट्री थी ना 31/3/2023, यहां से हमें डेट को चेंज करना है, F2 प्रेस करके ये डेट चेंज करना है 1/4/2022, यही एंट्री थी ना, तो ये डेट हमने चेंज कर दिया, ठीक है। और अब इसको हम एक्सेप्ट करा लेते हैं, ये हो गया। अब चलते हैं देखते हैं कितनी एंट्रीज हमारे पास है, एक ही एंट्री है ना, हमने डेट चेंज कर दिया है कि नहीं कर दिया है, देखिए इस तरीके से आप डेट चेंज करेंगे, आई बात समझ में। तो पहला क्लास कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा।